सी अर्चिन के डेवलपमेंट में, जैसा कि हम लोगों ने डेवलपमेंटल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि इसमें क्या होता है, रेडियल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। रेडियल क्लीवेज आपको हमने बताया था किस तरह से होता है, होलोब्लास्टिक मतलब कंप्लीट क्लीवेज होता है। अब इसके हम लोग क्लीवेज की बात करते हैं। यहाँ पे जो क्लीवेज है, इस क्लीवेज का यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्लीवेज की पूरी पैटर्न दी हुई है। तो इसमें जो जब फर्स्ट टू सेवेंथ क्लीवेज तक पहुँचता है, तो इसमें जो स्ट्रक्चर बनता है ब्लास्टुला का, वो स्टीरियो टाइप होता है। हमने आपको टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला भी बताया था। फर्स्ट और जो सेकेंड क्लीवेज होता है, तो फर्स्ट क्लीवेज कैसा होता है, मेरीडियोनल होता है। ठीक है, फर्स्ट कैसा होता है, देखिए दिख रहा है मेरीडियोनल होता है। सेकेंड भी कैसा है, मेरीडियोनल ही दिख रहा है आपको। इसके बाद थर्ड क्लीवेज कैसा है, इक्वेटोरियल है, जो कि परपेंडिकुलर टू द दिस है ना। तो ये क्या है, ये इक्वेटोरियल क्लीवेज है। ये क्लीवेज हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे और भी क्लीवेज हो रहे हैं। फिर जब ये क्लीवेज होते हैं, तो इसमें कुछ इस तरह से एक एनिमल टायर मिलता है और एक वेस्टल टायर मिलता है। एनिमल टायर का मतलब एनिमल हेमिस्फीयर और ये वेस्टल हेमिस्फीयर। एनिमल टायर इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें बहुत सारे सेल्स हैं, इसलिए इसको टायर बोला गया। तो क्या बोलते हैं, एनिमल टायर और वेस्टल टायर। अब यहाँ पे जो एनिमल टायर मिला है, यहाँ पे आप देखिए कि हमें कितने यहाँ पे ब्लास्टोमियर मिल रहे हैं, 8 ब्लास्टोमियर यहाँ पे टोटल दिख रहे हैं। और जिनके वॉल्यूम सेम रहते हैं, मतलब कि सभी सेम साइज के होते हैं। इसके बाद जब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो हमें जो सेल्स मिलते हैं उनको हम लोग मीजोमियर्स कहते हैं, मीजोमियर्स कहते हैं। अभी तक आपने माइक्रोमियर्स और मैक्रोमियर्स सुना था, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, अभी आप सुन रहे हैं मीजोमियर्स। तो जो एनिमल सेल्स होते हैं, जो एनिमल सॉरी एनिमल जो टायर होता है, वहां की जो सेल्स होती है उनको मीजोमियर कहा जाता है। जो वेजिटल सेल्स होती है, वो फर्दर मीन्स डिवाइड करके, क्लीवेज करके, वो क्या करती है, वो दो तरह के सेल्स बनाती है। एक बनाती है माइक्रोमियर्स और दूसरा बनाती है मैक्रोमियर्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा इनका डेवलपमेंट, मतलब इस तरह से क्लीवेज होता रहता है। और फिर ये अल्टीमेटली हमें ये मिलता है, ये जो स्टेज होती है हमारी, यहाँ पे आप देखेंगे ये 128 सेल ब्लास्टुला होता है। 128 सेल ब्लास्टुला का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये एनिमल डराइव्ड एनिमल डराइव्ड सेल में AN1 सेल्स बन जाती हैं, फिर जो डार्क लाइट कलर की है, फिर डार्क कलर की AN2 डराइव्ड सेल्स बन जाती है, एनिमल पोल की सेल्स होती हैं। जो वेस्टल सेल्स होती है, वेस्टल सेल्स में भी VEG1 VEG2 सेल्स बनती हैं, और फिर ये माइक्रोमियर सेल्स होती हैं। तो ये 128 सेल्स के ब्लास्टुला का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। उसके पहले 64 स्टेज का ब्लास्टुला भी आता है। तो यहाँ पे जो हमने अभी आपको बताया, वही सारी चीजें लिखी हुई हैं। अब इसके बाद तो जो 64 सेल स्टेज का ब्लास्टुला होता है, उसमें जो फेट मैप होता है, उसको हम लोग देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर बनता है। 60 स्टेज के सेल्स में जो VEG1 प्रोड्यूस करता है लार्वल एक्टोडर्म। अब आप यहाँ पे देखिए, तो देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो एनिमल पोल की सेल्स हैं, वो दो टाइप के सेल्स AN1 AN2 बना रही हैं, और जो वेस्टल सेल्स हैं वो क्या बना रही हैं, VEG1 VEG2 बना रही हैं। आगे चल के जो AN1 और AN2 सेल्स हैं, ये ज्यादातर क्या बनाती हैं, एक्टोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म का फॉर्मेशन करती हैं, एक्टोडर्म। और आपको पता है कि ये ऐसे एनिमल होते हैं जो कि ड्यूटेरोस्टोम टाइप के होते हैं। ड्यूटेरोस्टोम में क्या बताया था, जिसमें कि NS की फॉर्मेशन फर्स्ट है ना, तो वो ड्यूटेरोस्टोम होते हैं। तो यहाँ पे जो AN1 एनिमल सेल्स की मीन्स AN1 AN2 ये सब क्या बनाते हैं, एक्टोडर्म का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं VEG1 VEG2 VEG2 और VEG1 की भी ये किससे बने, ये मैक्रोमी। अब ये तो थे मीजोमियर्स, ये क्या थे, मीजोमियर्स थे। ये क्या है, ये जो वेजिटल पोल के सेल्स हैं, इन ये क्या होते हैं, ये होते हैं मैक्रोमियर्स। ठीक है, मैक्रोमियर्स। मैक्रोमियर्स के बाद यहाँ पे होते हैं माइक्रोमियर्स, यहाँ पे होते हैं माइक्रोमियर्स। तो ये मीजोमियर होते हैं, ये मैक्रोमियर होते हैं, और ये क्या होते हैं, ये माइक्रोमियर होते हैं। तो इस तरीके से तीन टाइप के हमें सेल्स मिलते हैं। जो मीजोमियर्स, जो कि एनिमल पोल के सेल्स होते हैं, वो डिवाइड करके फिर बाद में AN1 डेरिवेटिव्स बनाते हैं, AN2 डेरिवेटिव्स बनाते हैं, और ये बनाते हैं एक्टोडर्म बनाते हैं। ओरल एक्टोडर्म बनाएंगे, इसके बाद एबोरल एक्टोडर्म बनाएंगे। एबोरल मतलब कि जहाँ पे NS की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो एबोरल एक्टोडर्म बनाएंगे, ये सारा एक्टोडर्म का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद
अब इसके बाद अगर हम लोग मैक्रोमियर्स मैक्रोमियर्स की बात करें तो इसमें वेज वन और वेज टू दो टाइप के आपको दिख रहे हैं, वेज वन और वेज टू। तो वेज वन क्या करता है, एक्टोडर्म और इंडोडर्म दोनों का फॉर्मेशन करता है, एक्टोडर्म प्लस इंडोडर्म दोनों का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद अगर हम वेज टू की बात करें, वेज टू की बात करें तो वेज टू क्या करता है, इंडोडर्म बनाता है, इंडोडर्म बनाता है और प्लस बनाता है सेकेंडरी मेसेनकाइम सेल्स, सेकेंडरी मेसेनकाइम सेल्स सीलोम का फॉर्मेशन करता है। तो यहां पे देखिए एट 60 स्टेज वेज वन प्रोड्यूस सेल्स लार्वल एक्टोडर्म और इंडोडर्म। ठीक है, वेज वन क्या बना सकता है, एक्टोडर्म और इंडोडर्म बना सकता है, स्किन न्यूरॉन्स बनाएंगे आगे चल के। वेज टू सेल्स इंडोडर्म, है ना, इंडोडर्म बनाएगा और क्या बनाएगा, हमने बताया कि मेसेनकाइम सेल्स, सेकेंडरी मेसेनकाइम सेल्स बनाता है। सेकेंडरी मेसेनकाइम सेल्स को कहा जाता है नॉन स्केल्टो जेनिक मेसेनकाइम। अब आपको ये याद रखना है, मेन इंपॉर्टेंट यहीं से है। ठीक है, वेज टू सेल्स में इंडोडर्म बनता है और दूसरा क्या, इंडोडर्म को हम लोग दूसरा नाम कह सकते हैं नॉन स्केल्टोजेनिक मेसेनकाइम और सेकेंडरी मेसेनकाइम, जो कि आगे चल के क्या बनाएंगे, मसल्स बनाएंगे, मेसेनकाइम सेल्स हैं। तो वेज वन सेल्स एक्टोडर्म और इंडोडर्म बनाते हैं, वेज टू सेल्स इंडोडर्म बनाते हैं जिसको हम लोग सेकेंडरी मेसेनकाइम सेल्स कहेंगे, या फिर हम लोग उसको कह सकते हैं नॉन स्केल्टोजेनिक मसल्स। हाँ, इसके बाद फिर स्केल्टोजेनिक मेसेनकाइम कैसे बनता है, मतलब कहने का कि जो प्राइमरी मेसेनकाइम है वो कौन बनाता है, प्राइमरी मेसेनकाइम। यहाँ पे माइक्रोमियर्स हैं, माइक्रोमियर्स में भी दो टाइप के माइक्रोमियर्स होते हैं, एक लार्ज होते हैं और एक स्मॉल होते हैं। ठीक है, माइक्रोमियर्स मतलब कि माइक्रो हैं तो स्मॉल साइज के, तो कुछ छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं। तो जो लार्ज माइक्रोमियर्स होते हैं, लार्ज माइक्रोमियर्स क्या बनाते हैं, लार्ज माइक्रोमियर्स बनाते प्राइमरी मेसेनकाइम, प्राइमरी मेसेनकाइम जिसको कहा जाता है स्केल्टोजेनिक मेसेनकाइम। ठीक है, स्केल्टोजेनिक मेसेनकाइम। तो प्राइमरी मेसेनकाइम को क्या कहा जाता है, स्केल्टोजेनिक मेसेनकाइम, और सेकेंडरी मेसेनकाइम को क्या कहा जाता है, नॉन स्केल्टोजेनिक मेसेनकाइम। ठीक है, अब और इसमें तो लार्ज वाले ने तो ये बना लिया, अब स्मॉल वाली एम्ब्रियो के किसी भी पार्ट में पार्टिसिपेशन नहीं लेती, ये क्या करती, ये जर्म लाइन सेल्स की तरह काम करती। ये 64 सेल स्टेज ब्लास्टुला जो होता है उसमें सी अर्चिन के फेट को डिटरमाइन किया गया है। इसमें जो एनिमल सेल्स हैं, एनिमल सेल्स में जो AN1 AN2 सेल्स है वो एक्टोडर्म का फॉर्मेशन करती है, जो कि एक्टोडर्म ए बोरल और ओरल एक्टोडर्म हो सकता है, मीन्स की ओरल और ए बोरल मतलब कि एनएस जो भी फॉर्मेशन होती है वो सारा इसी के डेरिवेटिव से होता है। इसके बाद अगर हम वेज वन की बात करें तो वेज वन एक्टोडर्म भी बनाएगी, ठीक है, ए बोरल एक्टोडर्म, ओरल एक्टोडर्म भी बनाएगी, साथ में इंडोडर्म का फॉर्मेशन करेगी। इसके बाद अगर हम वेज टू की बात करें तो वेज टू जो सेल्स होती हैं वो सेल्स बनाती हैं सेकेंडरी मेसेनकाइम सेल्स या इंडोडर्म का फॉर्मेशन करती, जिनको हम लोग कहते हैं नॉन स्केल्टोजेनिक मसल। और जो माइक्रोमियर्स होती है, माइक्रोमियर्स जो लार्ज माइक्रोमियर्स होती है वो प्राइमरी मेसेनकाइम बनाती है, या हम उसको कहते हैं स्केल्टोजेनिक मेसेनकाइम। ठीक है, स्केल्टोजेनिक मेसेनकाइम कौन बनाते हैं, लार्ज माइक्रोमियर्स बनाते हैं। ब्लास्टुलोमियर के बाद अब इसके गैस्ट्रुलेशन के स्टेज की बात आती है, क्योंकि इसमें एनएस की फॉर्मेशन पहले होती है तो गट से फिर क्या बनेगा, एक ब्लास्टोपोर बनना चाहिए। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वेस्टल हेमिस्फीयर है, ये एनिमल हेमिस्फीयर है जायगोट का। द वेस्टल पोल ऑफ ब्लास्टुला फ्लैटन, सबसे पहले वेस्टल पोल फ्लैटन होता है, फ्लैटन होके एक पर्टिकुलर यहाँ पे क्या होता है, शेप और मूवमेंट इनवर्ट होता है और एक आर्केंट्रॉन का फॉर्मेशन शुरू होता है। ठीक है, कुछ ऐसा हल्का सा स्ट्रक्चर शुरू होता है, फिर यहाँ पे देखिए धीरे धीरे आर्केंट्रॉन का फॉर्मेशन हो रहा है, और फिर यहाँ पे आप देखिए एक अच्छा सा आर्केंट्रॉन बन गया और यहाँ पे एक ब्लास्टोपोर दिखेगा, इसीलिए देखिए यहाँ पे एनएस की फॉर्मेशन पहले दिख रही। इसके बाद जब ये गैस्ट्रुलेशन के इस स्टेज पर आता है तो यहाँ पे मेसेनकाइम सेल्स, आर्केंट्रॉन, एक ब्लास्टोसील भी बन गई है, यहाँ पे देखिए ब्लास्टोसील का फॉर्मेशन, इंडोडर्म, एक्टोडर्म, जो कि हमने अभी आपको सब बताया ना कि एनिमल सेल से क्या बनेगा, वेस्टल सेल से क्या बनेगा, तो इस तरह से ये सारी चीजें यहाँ पे इनका फेट डिटरमाइन हो जाता है। अब फिर इसके अगर और फेट मैप को मीन्स में क्या क्या पैटर्निंग है, जैसे कि हमने अभी आपको दिखाया ना कि यहाँ पे ये 16 सेल स्टेज में ये एनिमल सेल्स हैं, ये वेस्टल सेल्स हैं, ये माइक्रोमियर सेल्स हैं, फिर इसके बाद ये डिवाइड करती हैं, अपने डेरिवेटिव्स बनाती हैं, एनिमल सेल्स अपने डेरिवेटिव्स बनाएंगी, ये अपने डेरिवेटिव्स बनाएंगी। बनाने के बाद अब ये यहाँ पे
ये सब आपको कलर से समझ में आ रहा है कि किसका कहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो सेल्स है ये एक्टोडर्म का फॉर्मेशन कर रही हैं, ये इंडोमीजोडर्म का फॉर्मेशन कर रही हैं, माइक्रोमियर्स का स्पेसिफिकेशन हो रहा है, फिर ये इस तरह से वेंट्रल डॉर्सल बन जाएगा एक्टोडर्म से, वेज वन से इंडोडर्म बनेगा, वेज टू से भी इंडोडर्म बनता है, फिर नॉन स्केल्टन मीजोडर्म, स्केल्टोजेनिक मसल्स माइक्रोमियर से बन रहे हैं, और फिर जो माइक्रोमियर में भी लार्ज वाली क्या बना रही थी स्केल्टोजेनिक, और जो रिमेनिंग स्मॉल माइक्रोमियर्स थी वो क्या बना रही थी प्राइम मीन्स जर्म सेल्स बना रही थी। तो यहाँ पे ये देखिए पूरा इसका फेट मैप दिया गया। फिर आगे चल के यही जो वेज इंडोडर्म है ये फोरगट मिडगट हाइंडगट बना लेगा, जो ये डॉर्सल और वेंट्रल मीन्स एक्टोडर्म है ये माउथ न्यूरल सिलेरी बैंड डॉर्सल बना लेगा, और फिर यहाँ पे ये स्केल्टोजेनिक जो सेल्स हैं वो एज इट इज रहेंगे, हम आगे आपको बताएंगे क्या करती हैं, फिर सिलोमिक पाउच, ये सारे जो मतलब पूरा फॉर्मेशन इसका हो जाता है। और इस तरह से ये सी अर्चिन के लार्वा को क्या कहते हैं प्लूटियस लार्वा, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था ड्राइज के एक्सपेरिमेंट में। तो प्लूटियस लार्वा इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें कि एनएस की फॉर्मेशन पहले होती है। अब इसके बाद अब जो इसके स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें, है ना, जब फेट डिटरमाइन होता है तो स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो ये बहुत याद रखने वाली बात है कि जो स्केल्टोजेनिक मीजेनकाइम सेल्स होते हैं जो कि किससे बन रहे थे लार्ज माइक्रोमियर से, ठीक है, लार्ज माइक्रोमियर से, वो सेल्स ऑटोनोमसली स्पेसिफाइड होते हैं, वो सेल्स ऑटोनोमसली स्पेसिफाइड होते हैं डिफरेंशिएट इंटू स्केल्टन, जो कि आगे चल के स्केल्टन बनाएंगे, लेकिन ये ऑटोनोमस स्पेसिफाइड होते हैं। ये जो ऑटोनोमस स्पेसिफाइड स्केल्टोजेनिक मसल्स होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं कुछ पैराक्राइन फैक्टर को जो कि दैट कंडीशनली स्पेसिफाइड द फेट ऑफ नेबरिंग सेल्स। कहने का मतलब ये है कि माइक्रोमियर्स के नेबर में कौन सी सेल्स हैं, माइक्रोमियर्स के नेबर में तो भाई यही सेल्स है ना, वेजिटेटिव सेल्स हैं, वेजिटल सेल्स हैं। आप अगर यहाँ पे देखिए तो ये क्या है, ये माइक्रोमियर्स है, माइक्रोमियर्स के ऊपर तो वेजिटेटिव सेल्स है, तो नेबरिंग सेल्स तो यही वेजिटेटिव सेल्स हो गई। तो ये कह रहे हैं कि जो माइक्रोमियर्स सेल्स होती, जो स्केल्टोजेनिक मेसेनकाइम सेल्स होती हैं, वो सेल्स ऑटोनोमसली स्पेसिफाइड होती है, अपने आप को तो वो ऑटोनोमसली स्पेसिफाइड करती हैं, बताएंगे कैसे करती हैं, लेकिन फिर जब वो खुद ऑटोनॉमस स्पेसिफाइड हो जाती हैं तो वो अपने नेबरिंग सेल्स को ऐसे फैक्टर रिलीज करती हैं कि वो क्या हो जाए, वो कंडीशनली स्पेसिफाइड, मतलब कि आसपास वाली सेल्स इन माइक्रोमियर्स के प्रभाव से अपना फेट डिटरमाइन करती हैं, ठीक है। कंडीशनली स्पेसिफाइड द फेट ऑफ नेबरिंग सेल्स टू बिकम इंडोडर्म एंड इंड्यूस देम टू इन्वेजिनेट इन एम्ब्रियो, मतलब कि जो नेबरिंग सेल्स हैं जो कि वेज सेल्स हैं उनको ऐसा इंडक्शन देती है कि वो इंडोडर्म बनाए, ठीक है। अब द स्पेसिफिकेशन ऑफ माइक्रोमियर्स के स्पेसिफिकेशन की बात की गई है कि इनका स्पेसिफिकेशन कैसे होता है। स्पेसिफिकेशन ऑफ माइक्रोमियर लीनियस बिगिंस इनसाइड द अनडिवाइडेड एग। अनडिवाइडेड एग का मतलब आप ये समझिए कि जो भाई माइक्रोमियर्स, जब हमने ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन की बात की तो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन तो आपको वैसे भी पता है कि वो कैसा होता है, अनफर्टिलाइज एग में होता है। मैटरनल आरएनए कहाँ से आ रहे हैं, ऊ साइड से आ रहे हैं। तो वैसे भी जो माइक्रोमियर में जो आरएनए होगा जो स्पेसिफाई करेगा माइक्रोमियर को, उनके पास वो स्पेसिफाई करने वाला फैक्टर पहले से ही प्रेजेंट होगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा था स्पेसिफिकेशन ऑफ माइक्रोमियर लीनियस बिगिंस इनसाइड द अनडिवाइडेड एग डिशेवल्ड एंड बीटा कैटनिन। अब दो मॉलिक्यूल यहाँ पे आए हैं, डिशेवल्ड एंड बीटा कैटनिन फाउंड इन साइटोप्लाज्म एट फोर्थ क्लीवेज। फोर्थ क्लीवेज, अभी तो देखिए यहाँ पे जो क्लीवेज हो रहा है वहीं पे ये मॉलिक्यूल एक्टिव होते हैं, इनहेरिट इनटू माइक्रोमियर्स, जो कि माइक्रोमियर में इनहेरिट होके आए हैं, मतलब कि बीटा कैटनिन और डिशेवल्ड मॉलिक्यूल जो कि एक्ट एज अ समझ लीजिए ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, ये मॉलिक्यूल इनहेरिट होके आए हैं माइक्रोमियर्स में, कहाँ से, ऊ साइट से ही मिले हैं ये इनको। इन न्यूक्लियस बीटा कैटिन कंबाइंड विद टीसीएफ एनिमल सेल्स बिकम स्पेसिफाइड एज इंडोडर्म एंड मीजोडर्म। तो जो माइक्रोमियर्स होते हैं वो आगे चल के जब स्पेसिफाई उनको करना होता है, इंडोडर्म और मीजोडर्म बनाना होता है, तो ये बीटा कैटनिन और डिशेवल्ड काम करते हैं। बीटा कैटनिन न्यूक्लियस के अंदर जाता है, कि आपको अगर वो WNT वाला पाथवे याद हो तो WNT पाथवे में क्या था कि WNT लीगेंड था, एक फ्रिजल रिसेप्टर से WNT लीगेंड बाइंड करता था, यहाँ पे डिशेवल्ड एक्टिव हो जाता था, डिशेवल्ड एक्टिव होकर GSK को इनिबिट कर देता था, और GSK3 का काम क्या था, बीटा कैटनिन को
फॉस्फोराइलेट करना, बीटा कैटनिन को फॉस्फोराइलेट करना, और फॉस्फोराइलेट करके डिग्रेड हो जाता था। लेकिन जैसे ही डब्ल्यू एन टी इससे बाइंड करता है तो ये जीएसके थ्री को इनिबिट कर दिया, जब ये इनिबिट कर दिया तो ये बीटा कैटनिन को फॉस्फोराइलेट नहीं कर पाएगा और बीटा कैटनिन न्यूक्लियस के अंदर जाता है। जब बीटा कैटनिन न्यूक्लियस के अंदर जाता है तो वहां पर एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है टीसीएफ थ्री, उससे बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन शुरू करा देता है। ठीक है, तो वही पाथवे यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो माइक्रोमीयर्स का स्पेसिफिकेशन है जो कि स्केल्टोजेनिक मसल्स बनाएंगी आगे चल के, वो मेसेनकाइम बनाएंगी, उनका स्पेसिफिकेशन अनफर्टिलाइज एग ओसाइट से ही वो अपने फैक्टर्स लेके आती हैं। वो कौन से फैक्टर हैं? डिसेबल्ड और बीटा कैटिन। ये दोनों फैक्टर्स मिलके फिर क्या करते हैं कि ये इनहेरिट होते हैं माइक्रोमीयर्स में, टीसीएफ में बीटा कैटिन जाके एक्टिव कर देता है और ट्रांसक्रिप्शन होने लगता है और स्पेसिफाइड हो जाता है इंडोडर्म और मेसोडर्म। ठीक, तो अब इसके बाद इसके लिए, इस पाथवे को समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पाथवे जिससे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्या पाथवे है? पाथवे उसका नाम है डबल नेगेटिव गेट सर्किट, और इसको कहा जाता है जीन रेगुलेटरी नेटवर्क, और इसको कहा जाता है जीआरएन मॉडल। ठीक है, ये तीन नाम इसके हैं, ये आप याद कर लीजिए कि सी अर्चिन के केस में जो माइक्रोमीयर्स का स्पेसिफिकेशन होता है उस स्पेसिफिकेशन में एक पाथवे चलता है जिसका नाम है डबल नेगेटिव गेट सर्किट, जीन रेगुलेटरी नेटवर्क और जीआरएन मॉडल, जो कि स्पेसिफाई करता है माइक्रोमीयर्स को, स्केल्टोजेनिक माइक्रोमीयर्स लीनिएज को। ठीक है, अब पहले तो आपको यह समझना होगा डबल नेगेटिव गेट सर्किट क्या होता है। डबल नेगेटिव गेट सर्किट का मतलब यह होता है कि मान लीजिए कि ये एक जीन है, ठीक है, इस जीन ने इसको इनिबिट करके रखा है, और तो ये जीन, ये जो बी जीन है, बी जीन का काम क्या है, बी जीन सब ये जो नीचे के जीन है सबको इनिबिट करके रख रहा है। तो ये एक तरीके से इन जीन के लिए क्या हो गया, रिप्रेसर हो गया। ठीक है, ये जो जीन बी है वो रिप्रेसर है, ठीक है, जीन बी है वो रिप्रेसर है। अब कोई एक और मॉलिक्यूल आता है, वो क्या करता है, इस बी जीन को रिप्रेस कर देता है। तो फिर इसके रिप्रेसर के ऊपर रिप्रेसर, ठीक है, तो इसको रिप्रेस कर देगा तो ये सारे एक्टिवेट हो जाएंगे जीन। तो इसका मतलब क्या है कि इफ ए एक्टिव, अगर ए जीन एक्टिव है तो बी क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। जब बी इनएक्टिव होगा तो ये सारे जीन एक्टिव हो जाएंगे। अगर ए एक्टिव नहीं है तो बी एक्टिव रहेगा, और जब बी एक्टिव रहेगा तो ये सारे जीन इनएक्टिव रहेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, एक रिप्रेसर के ऊपर दूसरा रिप्रेसर काम कर रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है डबल नेगेटिव गेट सर्किट। अब ये आपको क्लियर हुआ कि डबल नेगेटिव गेट सर्किट क्या होता है। अब ये तो एक नॉर्मल जनरलाइज मैकेनिज्म हम बताया हमने आपको, ठीक है, अब इसको हम लोग ये देखेंगे कि सी अर्चिन के केस में कैसे माइक्रोमीयर का स्पेसिफिकेशन होता है, या जीन रेगुलेटरी नेटवर्क या जीआरएन मॉडल क्या, कि यहाँ पे क्या है, कुछ मैटरनल फैक्टर है। कौन से मैटरनल फैक्टर? दो फैक्टर होते हैं, ओटीएक्स और बीटा कैटनिन। हमने बताया था कि माइक्रोमीयर्स के स्पेसिफिकेशन के लिए डिसेबल्ड बीटा कैटनिन ऑलरेडी पाए जाते हैं, तो दो फैक्टर होते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर उनको मतलब कहेंगे। दो फैक्टर कौन कौन से? ओटीएक्स और बीटा कैटनिन न्यूक्लियस में जब जाता है तब वो क्या करता है ना, बीटा कैटनिन जैसे हमने बताया डिसेबल्ड ने जीएसके थ्री को इनएक्टिव किया, तो बीटा कैटनिन न्यूक्लियस के अंदर गया तो वो करेगा क्या? तो जब बीटा कैटनिन, यहाँ पे क्या होता है कि एक जीन होता है, उस जीन का नाम है पी मार वन जीन, है ना, पी एम आर जीन, ठीक है, या पी मार जीन कहिए या पी एम आर वन जीन। तो ये जो जीन होता है, ये जीन को एक्टिव कौन करता है? ओटीएक्स और बीटा कैटिन। इतना बात समझ में आ गया कि ओटीएक्स और बीटा कैटिन मिलके पीएमआर जीन को एक्टिव करते हैं। अब मान लीजिए कि अभी तो बीटा कैटिन न्यूक्लियस के अंदर है, मान लीजिए सपोज बीटा कैटिन न्यूक्लियस के अंदर नहीं था, अभी ये नहीं था, अभी आप सोचिए ये नहीं हो रहा है, तो क्या होता है कि एक जीन होता है जिसका नाम है हेससी, ठीक है, एक जीन होता है जिसका नाम है हेससी, रिप्रेसर की तरह काम कर रहा है, हेससी एक रिप्रेसर की तरह काम कर रहा है। ये रिप्रेसर क्या कर रहा है, ये रिप्रेसर, ये जीन जो आपको दिख रहे हैं ए एल एक्स वन, ई एच आर, ई टी एक्स, ई टी एच और डेल्टा, इन जीन को क्या कर दे रहा है, इनिबिट कर रहा है। कौन? हेससी। हेससी एक रिप्रेसर है जो कि इन जीन को इनिबिट कर दे रहा है, ठीक है, ये सारे जीन इनिबिटेड हैं, ठीक है, डेल्टा, टी एच आर, ई टी एस, और ये जीन एक्चुअली में ये जीन क्या थे, ये जीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेटिंग स्केल्टन फॉर्मिंग जीन। अब स्केल्टन फॉर्मिंग ये जीन है,
ये जीन के एक्सप्रेशन को इनहिबिट किसने रखा है? हेस्सी ने। स्केल्टोजेनिक मेसेनकाइम सेल्स से, वही तो स्केल्टन फॉर्मिंग जीन के एक्सप्रेशन से बनेंगे। तो यहां पे क्या हो रहा है कि जो हेस्सी जीन है उसने इनहिबिट करके रखा है स्केल्टन फॉर्मिंग जीन को। अब जब ये मींस कि जब माइक्रोमियर का स्पेसिफिकेशन होता है, बीटा कैटनिन न्यूक्लियस के अंदर, माइक्रोमियर के न्यूक्लियस के अंदर आता है, तो OTX एक फैक्टर होता है बीटा कैटनिन मिलके किसको एक्टिव कराते हैं? PMR1 को, PMR जीन को एक्टिव कराते हैं। जो ये PMR1 जीन है ये इनहिबिट कर देता है HES1 को, ठीक है। ये जब HES1 इनहिबिट हो जाएगा तो ये सारा इनहिबिशन खत्म हो जाएगा, ये सारा इनहिबिशन खत्म हो जाएगा। जब ये सारा इनहिबिशन खत्म हो जाएगा तो ये जीन का ट्रांसक्रिप्शन होने लगेगा और स्केल्टन फॉर्मिंग जीन का ट्रांसक्रिप्शन होने लगेगा और स्केल्टोजेनिक माइक्रोमियर्स लीनियज बनने लगेगी, मीन्स की स्केल्टोजेनिक मसल्स का फॉर्मेशन होने लगेगा। तो समझ में आई बात कि किस तरीके से बीटा कैटनिन, बीटा कैटिन आया कहां से था? बीटा कैटिन मदर से आया था, ऊ साइड से आया था। उस ऊ साइड से जो बीटा कैटिन आया, फिर माइक्रोमियर्स में जब वो न्यूक्लियस के अंदर जाता है तो माइक्रोमियर्स का स्पेसिफिकेशन होता है। तो माइक्रोमियर्स का स्पेसिफिकेशन ये इस तरीके से कर देता है, क्या करता है? हेस्सी जीन को क्या करता है? रिप्रेस कर देता है, जो कि खुद भी एक रिप्रेसर है। तो इसीलिए यहां पे जैसे हमने डबल सर्किट बताया तो इसका मतलब क्या, ये खुद रिप्रेसर है और इसको इस प्रोटीन ने रिप्रेस कर दिया है, ठीक है। तो ये भी इसके लिए ये रिप्रेसर हो गया, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है डबल नेगेटिव गेट सर्किट, है ना। यहां पे दो रिप्रेसर की तरह काम कर रहे हैं प्रोटीन। अब दूसरी चीज हमने ये बताया कि जब ये ऐसा हो जाता है, स्केल्टोजेनिक मसल्स बन गया, तो ये सिग्नल्स देते हैं अदर सेल्स को, नेबरिंग सेल्स को, जो हमने यहां पे एक सेंटेंस बताया था कि अदर सेल्स को, हाँ, ऑटोनोमसली स्पेसिफाइड स्केल्टोजेनिक मेसेनकाइम प्रोड्यूस नाउ पैराक्राइन फैक्टर दैट कंडीशनली स्पेसिफाइड फेट ऑफ नेबरिंग सेल्स टू इंडोडर्म एंड इंड्यूस टू इन्वेजिनेट एम्ब्रियो। मतलब कि नेबरिंग सेल्स को क्या देते हैं? पैराक्राइन फैक्टर, या उनको इंड्यूस करते हैं कि वो कुछ बनाए, इंडोडर्म बनाए, ठीक है। तो ये क्या करता है? अब ये डेल्टा है। अब आपको याद होगा कि डेल्टा सिग्नलिंग, डेल्टा नॉट सिग्नलिंग आपने सुना होगा। अब ये डेल्टा कैसे एक्टिव हुआ? ये डेल्टा तब एक्टिव हुआ जब माइक्रोमियर्स के न्यूक्लियस के अंदर बीटा कैटनिन गया और तब फिर ये जाके इसने ये डेल्टा को एक्सप्रेस कराया। जब ये डेल्टा एक्सप्रेस होता है तो एक्सप्रेस होने के बाद ये नॉच, जो और नॉच कहां पाया जा रहा है? वेज टू सेल्स में। वेज टू सेल्स कौन सी? नेबरिंग सेल्स हैं, जो कि वेज मीन्स माइक्रोमियर्स के जस्ट ऊपर वेज टू सेल्स पाई जाती हैं। तो वहां पे क्या होता है? ये नॉच सिग्नलिंग एक्टिव होती है और वो कर देता है नॉन स्केल्टोजेनिक मसल्स का फॉर्मेशन। वो किसमें मदद करता है? नॉन स्केल्टोजेनिक मसल्स का फॉर्मेशन, क्योंकि वेस्ट टू क्या कर रहे थे? नॉन स्केल्टोजेनिक मेसेनकाइम सेल्स बना रहे थे और माइक्रोमियर्स क्या बना रहे थे? लार्ज माइक्रोमियर्स, वो स्केल्टोजेनिक मसल्स का फॉर्मेशन कर रहे थे। तो स्केल्टोजेनिक मेसेनकाइम कैसे बन रहे? बीटा कैटिन की वजह से बन रहे हैं। और जो नॉन स्केल्टोजेनिक मेसेनकाइम है वो कैसे बन रहे हैं? जब ये डेल्टा एक्टिव होता है तब ये नॉच एक्टिव होता है और फिर ये होता है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाता है? ये इसको कहा जाता है GRN मॉडल, ठीक है, सी अर्चिन का। और यहाँ पे देखिए टीएक्स है ना, तो बीटा कैटनिन है यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पे न्यूक्लियस में ये पीएमआर एक्टिव नहीं होगा। जब पीएमआर एक्टिव नहीं होगा तो ये हैस एक्टिव रहेगा, हैस एक्टिव रहेगा तो वेस्ट टू सेल्स में क्या होता है? वेस्ट टू सेल्स में फिर इसीलिए क्या होता है? वो स्केल्टोजेनिक मसल्स का एक्टिवेशन नहीं करा पाते हैं तो वो वहां पे नॉन स्केल्टोजेनिक मसल्स बनाते हैं, ठीक है। तो स्केल्टो मींस की वेस्ट टू सेल्स में नॉन स्केल्टोजेनिक मसल्स बनते हैं। स्केल्टोजेनिक मसल्स क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि वहां बीटा कैटिन और ओटीएक्स नहीं है। लेकिन जो माइक्रोमियर्स मींस लार्ज माइक्रोमियर्स हैं वहां पे क्या होता है? वहां पे ओटीएक्स और बीटा कैटिन पीएमआर का को एक्टिव कराते हैं। और ये जब बीटा कैटिन एक्टिव होता है तो यहाँ पे टीसीएफ फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है। हमने आपको जब आपको सिग्नलिंग WNT बता रहे थे तो वहां पे बताया था, तो इसलिए हम यहाँ पे हमने उसको जिक्र नहीं किया है। टीसीएफ फैक्टर के साथ काम करता है, ठीक है, टीसीएफ फैक्टर के साथ बीटा कैटिन काम करता है और पीएमआर को एक्टिव कर देता है। हमने आपको डायग्राम बताया, वही लिखा है, द माइक्रोमियर साइटोप्लाज्म कंटेन, माइक्रोमियर के साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है? ओटीएस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दैट इंटरैक्ट विद बीटा कैटिन के साथ इंटरैक्ट करता है, टीसीएफ के साथ इंटरैक्ट करता है, एक्टिवेट किसको करता है? पीएमआर1 को, जीन को एक्टिवेट करता है, जो कि ट्रांसक्रिप्शन करके क्या करता है? पीएमआर प्रोटीन बनाता है। और ये रिप्रेसर की तरह काम करती है, किसका रिप्रेसर? हेस्सी का रिप्रेसर। हेस्सी क्या इनकोड करती है? डेल्टा, जो कि इनकोड करती है डेल्टा एंड अनदर रिप्रेसर जीन, है ना, जो कि इनको एक तरीके से इनहिबिट करती थी।
When the PMR protein is present in micromere, it repress the HESC. जब ये micromeres में present रहेगी तो HESC को repress कर देगी. In result of activate कर देगी इन जीन को. जब ये जीन activate हो जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, और बाकी का जो नेबरिंग सेल्स है वहां पे नॉच सिग्नलिंग चलने लगेगी. तो इस तरीके से नॉन स्केल्टोजेनिक मसल्स भी बन जाएंगे और स्केल्टोजेनिक मसल्स भी बन जाएंगे. तो ये था आपका सी अर्चिन का डेवलपमेंट. सी अर्चिन के डेवलपमेंट में ये जो माइक्रोमियर्स का स्पेसिफिकेशन है यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इन सी अर्चिन अ ग्रुप ऑफ सेल एट वेस्टल पोल बिकम स्पेसिफाइड एज अ लार्ज माइक्रोमियर सेल्स. ठीक है, वेस्टल पोल पे सेल्स कुछ ऐसी होती है जो कि लार्ज माइक्रोमियर्स में स्पेसिफाई होती हैं, पता है. These cells are determined to become skeletogenic muscles. ये cells क्या बनाती है, skeletogenic mesenchyme cells बनाती हैं. That will leave the blastula epithelium to ingress. ठीक है, वो आगे चल के क्या करती हैं, leave the blastula epithelium to ingress into blastocele. Blastocele में ingress करती है skeletogenic mesenchyme cells. This specification is controlled by expression of PMR1 gene, which is a repressor of HESC gene. HESC repress the gene encoding transcription factor activating skeleton forming gene. This regulatory network is given below. तो ये network दिया गया. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है maternal factor OTX beta catenin. Beta catenin ये किसको, PMR gene को active कर रहा है. ये किसको inhibit कर रहा है, HESC को. HESC फिर क्या कर रहा है, जब ये inhibit हो जा रहा है तो ये सारे gene means की जो skeleton forming gene है वो सब क्या हो रहा है, active हो जा रहा है. ठीक है, active हो जा रहा है. तो ये यहाँ पे ये दिया हुआ है. अब इसके बाद यहाँ पे जो ये तो माइक्रोमियर्स में दिया, जो हम आपको वहां पे वेस्टू बता रहे थे ना, अब यहां पे इन्होंने लिख दिया रेस्ट ऑफ द सेल ऑफ ब्लास्टुला, मतलब बाकी की बची हुई ब्लास्टुला की सेल्स. तो ये आप इसको वेस्टू समझिए. हाँ, यहां पे क्या हो रहा, क्योंकि यहां पे ये सब तो फैक्टर है नहीं, तो पीमार जीन एक्टिव नहीं होगा और हेस्सी जीन इन सबको इनिबिट करके रखा हुआ है. तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर तो स्केल्टोजेनिक मसल्स मेसेनकाइम बन जाएंगे, लेकिन यहां पर स्केल्टोजेनिक मेसेनकाइम नहीं बनेंगे, यहां पर क्या बनेंगे, नॉन स्केल्टोजेनिक मसल्स मेसेनकाइम बनते हैं. ठीक है, अब ये तो एक्सपेरिमेंट इन्होंने जो हम लोगों ने पढ़ा है वो पूरा यहां पे दे दिया. बिलो द कॉलम, अब यहां पे कॉलम दिया गया, लिस्ट एक्सपेरिमेंट कैरिड विद एमआरएनए और एंटीसेंस आरएनए. अब पहले तो आपको समझना है कि दो चीजों की लिस्ट दी गई है, एक दी है एमआरएनए की और एक दी है एंटीसेंस एमआरएनए. एंटीसेंस आरएनए ऑफ डिफरेंट जीन इंजेक्टेड इन टू अ सिंगल सेल सी अर्चिन एम्ब्रियो, वाइल कॉलम बी द डेवलपमेंट आउटकम मैच द फॉलोइंग. मतलब कि क्या किया गया कि कॉलम ए में एक सिंगल सेल जो सी अर्चिन का एम्ब्रियो है उसमें इंजेक्शन किया गया, किसका, एमआरएनए पीमार1 का, एमआरएनए हेस्सी का, एंटीसेंस पीमार का, हाँ, और इसके बाद एंटीसेंस हेस्सी का. और फिर इसके बाद कॉलम बी दिया है, उसमें बताया है कि उसका क्या डेवलपमेंटल आउटकम आएगा, है ना. तो पहले तो इन्होंने पूरा डेवलपमेंट आपको पता होना चाहिए, डेवलपमेंट के बाद आप उसमें अपना एक्सपेरिमेंटल अप्रोच भी लगा पाए, है ना, कि क्या किस तरह से एक्सपेरिमेंटल अप्रोच लगानी है. तो आरएनए अगर हम किसी चीज का डाल रहे हैं तो मीन्स कि वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, और अगर हम एंटीसेंस आरएनए डाल रहे हैं तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन घटेगी. अब आप देखिए, जैसे कि अगर हमने एमआरएनए डाला, जैसे कि हमने एमआरएनए डाला, एमआरएनए अगर हम इस एम्ब्रियो में डालेंगे, किसका, पीमार वन का एमआरएनए हमने इसमें डाल दिया, तो जैसे ही हम पीमार1 का एमआरएनए इसमें डालेंगे तो हेस्सी क्या हो जाएगा, रिप्रेस हो जाएगा, और जब हेस्सी रिप्रेस होगा तो ये सारे जीन क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे. तो अब इसमें से मैच करिए कि क्या हो जाएगा, ऑल सेल्स विल स्टार्ट इनग्रेस इनटू द ब्लास्टोसील, है ना. तो ब्लास्टोसील का मतलब कि सभी सेल्स इनग्रेस करने लगेंगे ब्लास्टोसील में. तो इसके अकॉर्डिंग अगर पीमार हम वन डालेंगे, एमआरएनए डालेंगे, तो पीमार का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा एम्ब्रियो के अंदर, और जब उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो मतलब क्या होगा कि हेस्सी इनिबिट होगा. हेस्सी जब इनिबिट होगा तो स्केल्टोजेनिक मसल्स बनेंगे, और स्केल्टोजेनिक मसल्स बनेंगे तो ब्लास्टोसील इनग्रेस करेगी, मतलब ब्लास्टोसील का फॉर्मेशन होगा. तो यहां पर क्या हो रहा है कि आपको तो एक, मतलब कि आप ये समझ सकते हैं कि ए का तो पहला है, ठीक है, ए का तो पहला है, तो ए का पहला तो दो में दिया है. ठीक, इसके बाद फिर लिखा है एमआरएनए ऑफ हेस्सी. अगर हम एमआरएनए हेस्सी का डाल देंगे, अगर हम हेस्सी का एमआरएनए डाल देंगे इस एम्ब्रियो में, तो अगर हेस्सी का एमआरएनए डालेंगे तो स्केल्टोजेनिक मसल्स इनहिबिट हो जाएंगे. तो फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब बी का दूसरा हो जाएगा. ठीक है, बी का दूसरा हो जाएगा, स्केल्टोजेनिक मेसेनकाइम विल नॉट फॉर्म. इसके बाद अब एंटीसेंस पीमार, अगर हम
अगर हम इस एम्ब्रियो में एंटी सेंस पीएमआर डाल दें, जो पीएमआर बन रहा है उसको इनहिबिट करने वाला आरएनए डाल दिया, तो पीएमआर नहीं बनेगा। जब पीएमआर नहीं बनेगा तो हेस्सी अपना काम करेगा, और जब हेस्सी काम करेगा तो फिर क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा कि स्केल्टोजेनिक मेसेनकाइम नहीं बनेगा। तो इसका मतलब कि सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा हमारा दूसरा, ठीक है। इसके बाद फिर एंटीसेंस हेस्सी, अब हेस्सी का हमने एंटीसेंस डाल दिया, ये इनहिबिट हो गया, तो ये सारे जीन एक्टिव होंगे, तो मतलब कि स्केल्टोजेनिक मसल्स बनेंगे और इनग्रेस होके ब्लास्टोसील बनेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी का पहला। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो ये आपको पहले तो उसकी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, इसके बाद आपको एक्सपेरिमेंटल अप्रोच लगानी भी आनी चाहिए कि एंटीसेंस एमआरएनए क्या करेगा, एमआरएनए क्या करेगा, है ना। तो इस तरह से आपको इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना। इसके बाद फिर नेक्स्ट देखिए, When the four blastomere pair of 8 cell stage tunicate embryo are dissociated, each form most of the structure it would have formed had it remained in the embryo. However, notochord nervous system get specified, different blastomere get chance to interact. Given below the certain interpretation formulated from the above result. क्या किया गया कि four blastomere pairs को अलग किया गया, 8 cell stage थी, ठीक है, 8 cell stage को लिया गया था, ये 8 सेल स्टेज था, इसमें से चार चार को अलग कर दिया गया, चार चार को अलग किया गया, एम्ब्रियो को लिया गया, स्ट्रक्चर उड फॉर्म, फिर क्या देखा गया, ईच फॉर्म मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, सभी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, हैव फॉर्म्ड हैड इट रिमेन्ड इन द एम्ब्रियो। हाउ एवर नोटोकॉर्ड नर्वस सिस्टम गेट स्पेसिफाइड ओनली इन डिफरेंट ब्लास्टोमियर गेट चांस टू इंटरेक्ट। अब ये नर्वस सिस्टम नोटोकॉर्ड तब बन रहे हैं जबकि कोई पर्टिकुलर ब्लास्टोमियर इससे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। गिवन बिलो आर द सर्टेन इंटरप्रिटेशन फॉर्मुलेटेड बाय द एवर रिजल्ट। ईच पेयर ऑफ ब्लास्टोमियर फॉर्मिंग इररिस्पेक्टिव इंडिकेट द ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। अगर वो सभी अपना पार्ट बना ले नहीं, तो मतलब कि जो भी उनका इररिस्पेक्टिव पार्ट है वो बन रहा है, तो ऑटोनोमस स्पेसिफाइड है क्योंकि ब्लास्टोमियर को अलग अलग कर दिया गया है। और इसके बाद लेकिन जो नोटोकॉर्ड और नर्वस सिस्टम है वो तो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन होगा ना, तभी तो वो नहीं बना पा रही हैं जबकि उनको, भाई उनको अलग कर दिया गया, तो वो नर्वस सिस्टम और जो नोटोकॉर्ड है गेट स्पेसिफाइड ओनली डिफरेंट ब्लास्टोमियर गेट चांस टू इंटरेक्ट। जब वो किसी भी पर्टिकुलर सेल से इंटरेक्ट कर पाती है तब बना पाती है, तो इसका मतलब कि कंडीशनल स्पेसिफिकेशन है। तो नोटोकॉर्ड और ये क्या हो जाएंगी, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए एंड डी।